प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थलों के सर्वेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन, संरक्षण, परिरक्षण, पुरालेखीय शोध एवं महत्वपूर्ण पुरानिधियों के संकलन के उद्देश्य से सन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक बनाया गया, जिसके बाद सन 1871 में उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक का कार्यभार संभाला। 9 नवंबर सन 2000 में 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद 16 जून सन 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का देहरादून मंडल कार्यालय अस्तित्व में आया, जो कि चार उप क्षेत्रों देहरादून, गोपेश्वर, अल्मोड़ा और काशीपुर में विभाजित है। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तराखंड 13 जनपदों में विभक्त है। उत्तराखंड राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 42 प्राचीन स्मारकीय स्थल हैं, जिनमें से सर्वाधिक स्मारकों की संख्या अल्मोड़ा उपक्षेत्र में है। अल्मोड़ा उपक्षेत्र चार क्षेत्रों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में विभाजित है। इसमें मंदिर, पुरातात्विक स्थल, अभिलेख, गुफाएं, ब्रिटिश कब्रिस्तान, किले तथा नौले सम्मिलित हैं। इन संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों या स्थलों को प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत संरक्षण दिया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाएं पूर्व में पश्चिमी नेपाल, पश्चिम में यमुना की सहायक नदी टोंस, दक्षिण में तराई भाबर के खटीमा टनकपुर, उत्तर में तिब्बत की सीमा तक विस्तृत है। पुरातात्विक दृष्टि से उत्तराखंड मानव सभ्यता के आदिकाल से ही आबादित रहा है। देहरादून जिले के कालसी से प्राप्त पाषाण उपकरण, अल्मोड़ा के लखुडियार व चमोली के किमनी एवं डुंगरी से प्राप्त चित्रित शैलाश्रय, पिथौरागढ़ के बनकोट व नैनीपाताल से प्राप्त ताम्र उपकरण एवं जिला चमोली के मलारी से प्राप्त व्रत पाषाणकालीन स्वर्ण मखौटा आदि उत्तराखंड में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की पुष्टि करते हैं। साहित्यिक, मुद्रा शास्त्रीय एवं अभिलेखीय स्रोत इस क्षेत्र में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य कुणिंद वंश की सत्ता के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। 4वीं शताब्दी ईस्वी में यह क्षेत्र कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था, जिसका विवरण समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में भी मिलता है। अल्मोड़ा जिले के तालेश्वर से प्राप्त 2 ताम्र अभिलेख मध्य हिमालय में 6वीं शताब्दी ईस्वी में बर्मन शासकों की सत्ता की पुष्टि करते हैं। उत्तराखंड ब्रह्मापुर के नाम से भी जाना जाता था, जिसका उल्लेख वराहमिहिर की व्रत संहिता में मिलता है। 7वीं सदी ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में भी ब्रह्मापुर का वर्णन मिलता है। 7वीं से 12वीं सदी ईस्वी में उत्तराखंड एवं पश्चिमी नेपाल कत्यूरी वंश के शासकों द्वारा शासित रहा। अभिलेखीय प्रमाणों से ज्ञात होता है कि सन 1199 से 1223 ईस्वी के मध्य पश्चिमी नेपाल के मल्ल शासकों ने इस क्षेत्र को अपने अधीन किया। मल्ल शासकों के प्रभाव के कारण कत्यूर शासकों की सत्ता का ह्रास होने लगा। अभिलेखीय प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि कालांतर में परवर्ती कत्यूरी शासक स्वतंत्र रूप से छोटे छोटे राजवंशों के रूप में इस क्षेत्र में शासन करते रहे, जिसमें सीरा पश्चिमी नेपाल के डोटी का रेखा राजवंश शक्तिशाली रहा। धीरे धीरे इन छोटे राजवंशों का प्रभाव घटने के साथ ही इस क्षेत्र में 2 नए राजवंशों का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें गढ़वाल का पंवार तथा कुमाऊं का चंद्रवंश प्रमुख है। सन 1791 में नेपाल के गोरखा शासकों ने कुमाऊं तथा सन 1804 में गढ़वाल पर अपना अधिकार स्थापित किया। सन 1815 में संपूर्ण उत्तराखंड ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ।